आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल ये जांच करने के लिए आ रहा है। हमारी मांग है कि अगर तुम निष्पक्ष और ईमानदारी से जांच करने के लिए आए हो तो तुम्हें इन गालियागंज के गरीब किसानों की आवाज, तुम्हें यतीम खाने की गरीबों की आवाज को सुनना पड़ेगा और इनकी बात को समझना पड़ेगा। और इस प्रतिनिधि मंडल ने अगर गरीबों की आवाज को नहीं सुना तो ये माना जाएगा कि समाजवाद का चेहरा समाजवाद नहीं है बल्कि खाली एक पार्टी परिवादवाद और आजमवाद की पार्टी है और ये जालिम लोगों की पार्टी है।